रात्रि क्लास चल रहा था 4/12/1968 दूसरे पेज की एकदम मध्यांत में बात चल रही थी संबंधों की। नई दुनिया सत्युग में बहुत थोड़े संबंध होते हैं, बस भाई बहन, माँ बाप, और फिर देखो कलयुग में तो कितने संबंध हो जाते हैं, ढेर के ढेर। कैसे? बहुत जितने बच्चे पैदा करेंगे, बच्चियां पैदा करेंगे, इतना इतना बढ़ते जाएंगे। कितने होंगे? बहुत हो जाएंगे ना। फिर नाती पंती कितने होंगे? संबंध वृद्धि को पा जाते हैं और जास्ती ही वृद्धि को पाते हैं। क्योंकि 8-8, 10-10 बच्चे भी जन्म लेंगे तो वो वृद्धि तो होगी ना बच्चे, और फिर उनके पोत्रे, भाई पुत्र कितने? 8। पोत्रे कितने? 20-25 बोल देंगे। और पर पोत्रे कितने? 50-60 हो जाते हैं। फिर तो वृद्धि हो जाती है। सतयुग में तो इतने नहीं होते हैं, और फिर वहां पवित्र भी होते हैं। अच्छा, आज कोई आए हैं कुछ नए? किसी ने कहा जी हाँ। टोली कहाँ है? इसके लिए बाप आते हैं तो वो पुरुषार्थ कराते हैं। अभी तदबीर तो कराते हैं, परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो बाप की तदबीर भी क्या कर सकती है। 4/12/1968 रात्रि क्लास का तीसरी लाइन। भगवान की तदबीर क्या कर सकती है, क्योंकि वो पहले ही उनको निश्चय नहीं होता है कि भगवान यहां पढ़ाते हैं। अगर निश्चय भी होता है तो माया इतनी जबरदस्त है जो झट वहां से भी छुड़ा सकती है। ये माया का फेर है, क्योंकि ये है युद्ध माया पर जीत पहनने का। हाँ, माया पर, 5 विकार रूपी माया पर, जिसको रावण भी कहा जाए। तो लड़ाई है, जैसे बाप है सर्वशक्तिवान, वैसे रावण 5 विकार रूपी वो भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि उनकी भी बात सही आधा कल्प चलती है, आधा कल्प उन बाप की चलती है बात सही। अभी रावण की बात सही पूरी होती है, क्योंकि इस रावण राज्य का तो विनाश होना है। तो रावण को भी मारते हैं ना बच्ची, तो फटाका बटाका डाल करके ठक्का चाहिए ना, तो उनको भी फटाका डाल करके, कुछ बारूद डाल करके फिर उनको जलाते हैं। तो ये भी सारी दुनिया रावण की तो है ही है।
उनको भी ऐसे ही जलाते हैं। एटमिक बॉम्ब्स वगैरह दे करके एकदम जला के खाक कर देते हैं, है ना, बरोबर, सबकी खाक हो जाएगी। जब शरीर धन दौलत जो कुछ भी होगा ये सब खाक में मिल जाने का है, क्योंकि नई दुनिया होने की है देवताओं वाली। तो अभी ये बच्चे तो आकर के बाप के बने हैं, जिस बाप को राम भी कह देते हैं, आगे रावण संप्रदाय थी और बिल्कुल ही छीछी थी, वैश्याले में थी, क्योंकि रावण का राज्य है ही वैश्याले में और राम का राज्य है शिवालय में, शिव बाबा की राजधानी में। बाकी ये है कि शिव बाबा इस समय खुद नहीं राज्य करते हैं, राज्य बच्चों को दे देते हैं कि भाई शिवालय में राज्य करो, और ये बच्चे इस समय में भारतवासी तो सभी हैं, वैशाल्य में है माने नरकवासी हैं। तो अभी तो तुम बच्चे आते हो, तुम जानते हो कि अभी हम फिर कर करके स्वर्गवासी बनते हैं, जो नरकवासी है उनका मौत सामने खड़ा है, आग तो लगनी है, बांस का फलाना टीरा वगैरह वगैरह। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था, पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना। सो नई दुनिया की स्थापना पहले जब पूरी होती है, राजधानी की स्थापना पूरी हो जाती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी, तो ये जो सूर्यवंशी हैं, हाँ, वो ही बचते हैं, बाकी शूद्रवंशी खलास हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है सबका, क्योंकि इस समय में एक तरफ है शूद्रवंशी और एक तरफ है तुम्हार ब्रह्मावंशी। तो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो हुआ बाप का बच्चा, ठीक है ना बच्चे। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई पूछेगा किसकी क्रिएशन है, तो बोलेंगे शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा की, तो कहेंगे वो भी तो भाई हो गए ना, है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई भाई हो गए। अब क्रिएशन को कहा जाता है भाई, सब भाई 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 भाई। अब भाई भाई किसी को वर्षा नहीं देते हैं, बाप वर्षा दे सकते हैं, तो वो सभी का बाप है ना। तो बच्चे क्या हक लेते हैं जानते हो, कि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का हक लेते हैं।
और मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का हक देने वाला एक बाप है सबका। फिर तुम जाते हो जीवन मुक्ति में, बाकी तो रहते हैं मुक्ति में। देखो ऐसे होता है ना, अभी संगम युग है ना, तो ऐसे ही होगा ना। जीवन बंध में कोई भी नहीं होगा तो कहेंगे सतयुग में जीवन मुक्ति और बाकी सब मुक्ति में, कलयुग में सब बंधन में। तो ये बच्ची समझने की बातें होती हैं कि समझ में बैठ जाए तो अच्छा है, बच जाएंगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। भले आई है 2 महीना भी हुआ है तो भी स्वर्ग में लाने आने के लायक तो हैं। प्रजा वो तो जैसे यहां का 1.5 चमार होते हैं ना पाई पैसे के, तो वो ऐसे जाके बनेगी, आएगी जरूर। महीने 2 महीने वाले भी आएगी, भले स्कूल में पढ़ती रहे परंतु वो आएगी जरूर, क्योंकि बाप का वचन तो सुना है ना। तो जास्ती नहीं पड़ेगी तो वो कहा जाता है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे हैं तो होंगे खराब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो फिर समझ लेना चाहिए कि क्या बनेगी। अच्छा बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।